दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ सुने, दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ सुने। नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बहराइच जिले के मेहपुरवा के कतरनिया वन्यजीव प्रभाग अंतर्गत कतरनिया रेंज के चहलवा गांव के करीब घाघरा नदी के तट पर बसे करीब 100 से अधिक परिवारों की जमीन करीब 35 साल पहले नदी के बहाव में कट गई थी। तब से यही परिवार वन विभाग के जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। उनके पास रहने व खेती करने के लिए अपनी कोई जमीन नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं जंगलों में बिता चुके इन वनवासियों ने वन रेंज कार्यालय पर पहुंचकर वन विभाग से अपने लिए जमीन की मांग की है। थाना सुजौली के चहलवा निवासी भगवान दास साधु के नेतृत्व में काफी संख्या में वनवासियों ने निशानगाड़ा रेंज कार्यालय पहुंचकर अपने लिए जमीन की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वन्य क्षेत्राधिकारी निशानगाड़ा ने कहा कि मामला कतरनिया रेंज का है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नारेबाजी करते हुए वन क्षेत्र कार्यालय कतरनिया की ओर जाने लगे। भगवान दास साधु के नेतृत्व में प्रदर्शन हेतु कतरनिया रेंज कार्यालय जा रहे 500 लोगों को बिछिया के 96 नंबर गेट पर वन विभाग की टीम ने सेंचुरी क्षेत्र में जाने से रोक दिया, जिस पर ग्रामीणों और वन विभाग की टीम से कहा सुनी भी हुई। वन क्षेत्राधिकारी कतरनिया घाट पीयूष मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि आपकी समस्याओं को उच्चाधिकारियों से अवगत करा दिया जाएगा, आप अपनी समस्या के समाधान के लिए उच्चाधिकारियों से बात करें। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भगवान दास साधु ने कहा कि हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इसी जंगल में बिता दी है। हम जिस जमीन पर बसे थे वह सारी जमीन नदी में समाहित हो गई है। ऐसे में हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वन विभाग को हमें जमीन देनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज़। मैं जुनैद खान, इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच जनपद के कतरनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र में, और मेरे साथ में देखिए पीछे महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में गरीब लोग यहां पे इकट्ठा होकर के रेंज कार्यालय पे जा रहे हैं, जो अपनी मांग कर रहे हैं कि जो इनका जमीन जो नदी के किनारे कट चुकी है करीब पिछले 20 वर्षों से, कई लोग काफ़ी 700 से 800 लोग हैं करीब, ये रेंज कार्यालय जाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे वन विभाग के दरोगा मयंक पाड़े से कुछ इनकी वार्ता चल रही है, उसके बाद देखिए क्या आगे होता है। मौजूद है कतरनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र में, और काफ़ी संख्या में कुछ ग्रामीण लोग इकट्ठा होकर के यहां से कतरनिया रेंज कार्यालय को जा रहे थे। रास्ते में इन्हें वन विभाग के द्वारा रोका गया है। आई जान से इनसे क्या है, इनका मामला क्यों रोका गया, क्या नाम है बाबा? हमारा भगवान चौहान नाम है, और जो है कि हमारे राष्ट्रपति जी आदेश दिए थे ज्ञानी जैल सिंह सील इंदिरा माता जो है कि हमको कागजात दिए, पूर्णवास हमारे नाम से आया, आज तक ले रोका गया है सर। और कहते हैं अधिकारी के लगे जाते हैं तो जाओ हुआ जाओ हुआ जाओ हुआ जाओ, यही करते हैं लोग। 35 बरस हो गया हम लोग गरीबों को दुख झेलते झेलते। ये तो कहिए कि थोड़ा सा राशन हमारी सरकार दे दे रही कि हम लोग का जी रहे, और नहीं तो आज हम सड़क पर उतर जाते सर। और आप लोग कतरनिया जा रहे थे, आपको रास्ते में रोका गया, किसके द्वारा रोका गया, कौन रोका? वो थाना वो क्या है वन विभाग का अधिकारी महोदय जी रोके कि हम जो है कि मीटिंग कर रहे हैं, उनको बुला ले आएंगे मंगलवार को, और हमारे जितना अधिकारी हैं पर अधिकारी उनसे मीटिंग कर ले रहे हैं, तो उसमें तेरा बाबा जो होगा तो निर्णय हम कर देंगे। पांडे जी कहें, हाँ यही बात बताएं हमको। अभी तक आप कहाँ कहाँ गए अपनी मांगों को लेकर? हमारे मांगों के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गोरखपुर का कंसर्वेटर, आपको जिला अधिकारी, परगना मजिस्ट्रेट, हमारे थाना इंचार्ज महोदय, सारा जितना मंत्री है देश का सबका जो है कि दारा सिंह चौहान वन मंत्री जो है कि अभी लिखित दिए थे कि जाओ तेरा जो है कि मिलेगा जमीन, वो लिख करके दिए हैं। अभी देखिए क्या हो रहा, अब हम लोग के परेशानी अब सह नहीं जा रहा सर। अभी के भगवान दास साधु जो इन लोगों को टीम की अगुवाई कर रहे थे, 500 से 700 लोग हैं इनके साथ में, और सभी लोगों को लेकर के कतरनिया के लिए जा रहे थे, इनको वन विभाग की टीम के द्वारा रोका गया, और फिर रास्ते में
वन विभाग के जो दरोगा हैं मयंक पांडे वो आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंगलवार तक के अधिकारियों से बात करके फिर आपकी मीटिंग करी जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी वन विभाग इनका सहयोग करेगा। इसी तरह से वापस फिर ये अपना काफिला लेकर के अपने गाँव की तरफ वापस जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज साहनी के साथ जुनैद खान, बहराइच। हमारा नाम है लाल साहब। क्या मामला है जो इतने लोग जा रहे हैं? बाबा जी के साथ में है और यही जो बाबा जी जो कह लगे हैं सबक ये जमीन की मांगे यही हम लोग की है ख्वाहिश। कहाँ पे जमीन है आपकी? ये हमारी जमीन फार्म है, ये जैसे बकलैया फार्म जमीन है, हम लोग नदी कटान में थे और वन विभाग के जमीन में ही हम लोग बसे हुए थे, किनारे झोपड़ी बना बना करके, वो अब नदी में कट गया और खाली जमीन जो पड़ी हुई है बकलैया फार्म में ये जमीन थोड़ा खाली दिखाई पड़ रही है, तो इसमें अगर जो सोचा जाए सरकार को तो इस गरीब जनताओं को थोड़ा थोड़ा दे देंगे जिनका जीवन गुजर होगा। कितने लोग हैं आपके साथ? 1025 घर है। 1025 घर है। नहीं, आज कितने लोग आए हैं आप लोग? अभी तो बिना नहीं गया है आप करीब से लगभग 700 के लगभग में, 700 के लगभग में। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी चल रहे हैं रेंजर साहब के यहाँ। कहाँ पे? कहाँ पे? कतनिया घाट और निशनगाड़ा 22 तारीख को गए थे तो वहाँ से रेंजर साहब थे तो वहाँ बोले कि कतनिया घाट पे वहाँ पर आइए और वहाँ पर कुछ मैंने वहाँ सोचा जाएगा, वहाँ फिर दिखाइए कागज। कैमरा पर्सन मनोज साहनी के साथ जुनैद खान, बहराइच। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।